स्वागत है आपका बिहारी बाबू के अनदर व्लॉग में। और आज आपका भाई पहुंचा है दानापुर की आन बान शान और दानापुर की सबसे पुरानी समोसे की दुकान संजू होटल। तो संजू होटल जो कि पहले यहां पे लगा करता था वो पुराना दुकान था, लेकिन आज जिस दुकान में आपको ले जाने वाले हैं वहां है राखी की हो रही बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही, क्योंकि कल राखी है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर मिठाइयों का जो शॉपिंग होता है वो बढ़ जाता है, भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है मिठाइयों को लेने को लेकर। तो आज जो हम जा रहे हैं जिस होटल के अंदर, वो अपडेटेड वर्जन है संजू होटल का, वो नया दुकान है जिसके अंदर अभी हम आपको ले जाने वाले हैं। और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी तरह की मिठाइयाँ यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे बात करवाते हैं यहाँ के जो ओनर है हमारे भैया जी से। तो अभी हम दुकान के अंदर एंट्री कर चुके हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से राखी की खरीदारी चल रही है और कितनी खूबसूरती से इस दुकान को आज सजाया गया है। तो यहाँ पे इस तरह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज, तो आप देख सकते हैं राखी कल है और आज रात भर शॉपिंग होने वाली है। और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से लगा हुआ है। नमस्ते अंकल, तो कल राखी है उसी वजह से आप शॉपिंग करने आए हैं? जी जी। तो यहाँ आप संजू होटल में पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं? बहुत बार आ चुके हैं। तो अब आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो ओनर है भैया जी, थोड़ा इधर हो जाइए अंकल जी, अंदर जाना है। तो अब आपको मिलवाते हैं भैया जी से। तो क्या नाम है भैया, आप थोड़ा पब्लिक को बताइए। संजू कुमार। संजू कुमार, तो इन्हीं का होटल है संजू होटल, जो दानापुर की आन बान शान और पुरानी समोसे की दुकान है। और यहाँ पे आज राखी है कल, उस वजह से आज शॉपिंग आप देख सकते हैं कि मिठाइयों का यहाँ पे इतना जो आप भंडार देख रहे हैं, और लोग भी देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ दानापुर में पहुँचे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये जो दुकान आपकी है भैया, कितनी पुरानी है? 20 साल हो गए। तो 20 साल से आप मतलब ये दुकान चला रहे हैं। तो पहले तो ये दुकान आपका आगे हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से प्रगति होती गई इनकी दुकान में, तरक्की होती गई, तो आज आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना खूबसूरत हमारा दुकान दानापुर में ये बन चुका है। तो आप थोड़ा सा अपने पब्लिक को बताइए कि आपकी दुकान की खासियत क्या है? खासियत क्या है, दुकान जो है अपना स्पेशली आप समोसा लिट्टी और गुलाब जामुन के लिए फेमस रहा है, और जो समोसा और लिट्टी है तो आप सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं अपना जी। तो अभी आप पूरे भीड़ में लगे हुए हैं तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, तो आप शॉपिंग करिए और आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे कितनी तरह की मिठाइयाँ हैं वो आपको दिखाते हैं। और आगे एक और काउंटर पे एक और हमारे भैया जी हैं, उनसे आपको बात करवाते हैं। और दुकानदारी चल रही है, इस वजह से भैया जी ठीक से देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरती से बलून वगैरह को सजाया गया है। और जैसे ही आप दुकान के अंदर एंट्री करोगे, तो एंट्री करते यहाँ सबसे पहले काउंटर मिलता है जहाँ से आप बिलिंग करके टोकन कटा कर आप समोसा लिट्टी या जो भी चीज़ आपको लेना है आप यहाँ पे बिलिंग करा सकते हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ। आपका नाम क्या है? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार, तो आप थोड़ा अपना सफ़र बताइए, किस तरह से आपका सफ़र रहा और आज यहाँ तक जो पहुँचे हैं, तो थोड़े अपने आप जर्नी बताइए कि कैसा रहा आपका जर्नी? बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, तो मतलब शुरुआत जिस तरह आपने की थी, एक छोटा सा दुकान शुरुआत किया था, उस समय आपने क्या क्या बेचना शुरू किया था उस समय? बस एक छोटा दुकान से समोसा कचौड़ी जलेबी ये सब बेचते थे। और आज आपका जो इतना डेवलपमेंट हो गया है, तो आज के आपके दुकान में क्या क्या कितने तरह की मिठाइयाँ और क्या क्या वेराइटीज़ बढ़ गई? मेरे पास 100 तरह का भी मिठाई है। 100 तरह की मिठाई है आपके पास? तो आज तो आप राखी का मतलब जो पूरा बिक्री हो रहा है, तो कौन कौन सा मिठाई है, कुछ फेमस मिठाइयों का नाम बता दीजिए जो आपके दुकान में मोस्टली फेमस है? जैसे काजू बर्फी हुआ, खोआ आइटम हुआ, सेना आइटम हुआ, तो ये सब आपके दुकान में बहुत ज़्यादा बिकता है और जो पब्लिक है, जो कस्टमर है, वो भी ज़्यादा इससे खुश रहते हैं। जी हाँ। चलिए, तो भैया जी ने इतनी सी जानकारी आपको दी है, उसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि आप दानापुर का आन बान शान इसी तरह से बरकरार रखें और आपकी दुकान दिन के दिन इसी तरह से बढ़ती जाए। तो अब हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो मिठाइयाँ का स्टॉक है वो आपको दिखाते हैं। तो भीड़ की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपको हम पूरे अच्छे तरीके से सारी मिठाइयाँ दिखाएंगे और यहाँ पे 100 से ज़्यादा मिठाइयाँ आपको मिल जाएगा। और मोस्टली ये फेमस दुकान है समोसा और लिट्टी की।
अभी हम आए हैं संजू होटल के ऊपर कारखाने में, जहाँ मिठाइयाँ बन रही है। तो आपको दिखाते हैं कि मिठाइयाँ किस तरह से बन रही है, और यहाँ पे इतने सारे कारीगर हैं जो लगे हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भैया जी, अभी आप कौन सा मिठाई बना रहे हैं? मलाई पूरी। ये मलाई पूरी कहते हैं इसे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह की मिठाइयाँ हैं, और इसके ऊपर किस तरह से ये सभी तरह जितनी भी यहाँ पर क्रीम है वो ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पर क्रीम लगाई जा रही है, और यहाँ पे मिठाइयाँ इस तरफ तैयार हो रही है। और यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं। तो यहाँ के जो सबसे पुराने यहाँ पे एक हमारे कारीगर हैं, उन भैया जी से आपसे बात करवाते हैं। तो भैया जी, आप यहाँ संजू होटल में कितने साल से काम कर रहे हैं? चार साल से। तो यहाँ पे काम करते हुए क्या आपका किस तरह का अनुभव रहा है? अच्छा हो रहा है। और अभी आप ये जो ऊपर कारखाने में ये राखी का जो मिठाइयाँ है, उसी का तैयारी चल रहा है। तो ये कौन सी मिठाई है जो अभी जिसके आप किसी लगा रहे हैं? बलसाही है। ये बलसाही है। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं कि यह बलसाही है जिसपे भैया जी हमारे किसमिस लगा रहे हैं। और उस तरफ ज़्यादातर यहाँ पे जो मिठाइयाँ हैं उस पर क्रीम का जो काम लगा है वो यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे मिट्टू भैया जी हैं जो कारीगर हैं, जो अच्छे से आपको बताएंगे कि संजू होटल के कारखाने में जो मिठाइयाँ कल की तैयारी चल रही है वो किस तरह से और किस तरह से चल रही है वो बताएँगे हमारे भैया जी। तो आप यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हैं भैया? 6 साल। तो 6 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप राखी का जो अभी तैयारी चल रहा है उसी की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। तो आप थोड़ा बताइए कि कितनी तरह की मिठाइयाँ संजू होटल में आप बनाते हैं और किस तरह के वो सब चीज़ें चल रही हैं? मिठाइयाँ बहुत तरह का बनता है, जैसे छेना का हो गया, खोवा का हो गया जी, कलकंद हो गया, गोंद लड्डू है। गोंद लड्डू है। अभी आप जो काम कर रहे हैं ये कौन सी मिठाई है? इसको रोल बोलता है। अच्छा, इसको रोल बोलता है। तो मतलब छेना को क्रीम में पूरी तरीके से लपेट देते हैं, इसको रोल देते हैं। तो ये आप किस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा करके दिखाइए। ये रोल तैयार हो गया। और यहाँ पे मतलब अभी लगभग कितने तरह की मिठाइयाँ अभी बन रही है कल राखी को लेकर? 20-25 तरह का मिठाइयाँ है जो बन रही है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कारखाना है संजू होटल का हमारा, जहाँ पे काम चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं भैया जी, ये जो काट रहे हैं आप? दो पीस कर रहे हैं। अच्छा, दो पीस कर रहे हैं। छेना है, इस छेना को आप दो पीस काट दे रहे हैं। मलाई पूरी है। अच्छा, मलाई पूरी है जो छेना के रूप में बना हुआ है, जिसको भैया जी हमारे दो पीस में काटे हुए हैं। वही हम सोचे कि यहाँ पे मतलब कौन कसाई आ गया भाई, जो भाई के मिठाइयाँ काटे जा रहा है। तो आप कब से काम कर रहे हैं भैया यहाँ? मेरा तो 8 साल से। मतलब सबसे छोटे आप दिख रहे हैं और आप सबसे पुराने हैं यहाँ। तो किस तरह का आपका अनुभव रहा इस संजू होटल में? बढ़िया है। दानापुर का सबसे फेमस, बहुत बढ़िया है, तो सारी चीज़ें मिलती है खाने के लिए। तो ये है संजू होटल का कारखाना, जहाँ पे मिठाइयाँ की तैयारी चल रही है। तो अभी सभी लोग कल के तैयारी में व्यस्त है, जिस वजह से आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बात नहीं हो पा रही है। हम फिर कभी यहाँ लौटेंगे जब, तो यहाँ अच्छे से और अच्छे से आपको बताएंगे और दिखाएंगे संजू होटल हमारा दानापुर का। अगर आप दानापुर में या पटना में हैं, और अगर आप दानापुर आए हैं, तो संजू होटल यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ पे आपको समोसा, लिट्टी और जितनी इतनी तरह की मिठाइयाँ होती है, जो 100 से तकरीबन ज़्यादा किस्म की मिठाइयाँ यहाँ पे आपको मिल जाएगी खाने को। तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं और यहाँ पे खा कर आप आनंद ले सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में हमारा यही था खास। अब मिलते हैं आपसे हम अगले ब्लॉग में।